हमारे एक सरदार जी लुधियाना शहर के, कौन सा शहर, एक टूटी सी साइकिल थी, एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन सरदार जी के साथ चमत्कार किया खाटू वाले ने। क्या चमत्कार किया, 250 एकड़ जमीन सरदार जी के नाम थी, मगर उसका कोर्ट में केस चल रहा था 20 सालों से। सरदार जी का बड़ा भाई कहता था मेरी है, सरदार जी कहते मेरी है। और सरदार जी के हालात इतने खराब थे कि एक साइकिल थी टूटी सी, एक छोटी सी झोपड़ी थी। किसी ने कह दिया दिल्ली से बस जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट खाटू श्याम जी को, और भोजन भी कराएंगे देसी घी का। सरदार जी बोले वैसी परेशान है, बस में बैठ जाते हैं, दो दिन बढ़िया निकल जाएंगे, बाबे के दर्शन भी हो जाएंगे। अब खाटू जाकर देखा, हमारे जैसे लाले जेब में से 10 रुपए निकालते, 32 ही बनाते, बाबा 10 लाख दियो, 10 चढ़ाए 10 लाख। अब सरदार जी ने देखा सिस्टम ठीक है, सरदार जी के जेब में 5 रुपए का नोट था, सरदार जी बाबा ले चढ़ाए 5 रुपए, मेरा 250 एकड़ जमीन कोर्ट में केस चल रहा है, अगर मेरे नाम होगी तो 10 लाख लेके नहीं जाता, 50 लाख चढ़ा के जाऊंगा तेरे दरबार में। लोगों को वहम है खाटू मंदिर में काम होता है, खाटू मंदिर में तो सिर्फ दर्शन होते हैं, काम तो उसी टाइम हो जाता है जब दिल्ली में गाड़ी का सेल्फ लगाते हैं खाटू जाने के लिए, और जब वापसी आते हैं खाटू से, काम तो तभी हो जाता है। अब सरदार जी जब 250 एकड़ जमीन आई तो सरदार जी ने सबसे पहले 10 किले बेचे। जमीन और रुतबा कैसे बनाते हैं ये जट और जाट बताते हैं, और गुजर, ये तीन हैं जो बताते हैं जब जमीन हो तो क्या करना है। तो सरदार जी ने सबसे पहले 5 एकड़ जमीन बेची, गाड़ी निकलवा के लाए BMW, कोठी बनाई पीरागढ़ी में 1000 गज की, और एक बनाई GK में, और एक गेस्ट हाउस बना दिया खान मार्केट में, रह लेंगे कोई आएंगे गुड़गांव गुड़गांव से। अब जो रिश्तेदार नमस्ते नहीं करते थे वो भी सुबह 5 बजे सरदार जी की गाड़ी के आगे सेल्फी खिंचाने आ जाते थे, और फेसबुक पर डालते थे हमारे चाचे की गाड़ी। और सरदार जी जो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, कुर्ते पजामे सिलवा के लाए दीवान साहब से, लोगों ने पूछा भाई सरदार जी आ की हो गया, लोगों ने बदलते वेख्या सीगा, हाँ कितना बदल गए, कहते पहला हाथ पीछे करो, सरदार जी के भी कईयों ने हाथ पीछे कराए थे गरीबी के टाइम में, तो सरदार जी को वो टाइम याद, बोले पहले हाथ पीछे करो कुर्ता खराब हो जाएगा। सरदार जी बोले हो मैं तो बाबा बाला रहिंदा सी उदास जी, कोई भी ता नहीं हो सीगा मेरा खास जी, और रहिंदी सुख वेले नाल सारी दुनिया, और रहिंदी सुख वेले नाल सारी दुनिया, ना इत्थे कोई दुख च खड़े, ओ यारी खाटू वाले आवे सुन तेरी करागी कम यार दे बड़े, बारो बारी नाम लेंदे अंदरों ना जप दे, बारो बारी नाम कैसे, राम राम एक राम राम दो राम राम तीन, और राजू नहीं आया, राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7, वो बालाजी वाला नहीं आया, राम राम 8 राम राम 9 राम राम, वो गाड़ी बाहर खड़ी होगी राम राम 11 राम राम 12, वो मोपट अंदर कर दे कोई चक ले जाएगा राम राम, बारो बारी नाम लंदे अंदरो ना जप दे, अंदर ता बैठा मेरा यार जी खोल के किताबा जितना मर्जी तू पढ़ ले, मेरा खाटू वाला यार दिलदार जी इत्थे जितने वाले दी सारी दुनिया, इत्थे जितने वाले दी सारी दुनिया, ए बाबा मेरा हार च खड़े, हरे का सहारा बाबा शाह, ओ यारी खाटू वाले आवे सुन तेरी करागी कम याद है बड़े। आज अमीर आदमी को हर कोई भगत कह रहा है, जो जितनी ज्यादा सेल्फी खींच के फेसबुक पे डाल रहा उतना बड़ा भगत कह रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी को कोई भगत नहीं कहता सर। गौशाला में लाखों रुपए जो दान देता है वो तो है भगत,
लेकिन जो रोज सुबह गौ माता का गोबर साफ करता है वो उसको भगत कोई नहीं कहता साहब, जो सेवा करता है। पहनाल 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 मतलब पैसे नाल, पहनाल मिलता जे हुंदा मेरा बाबा तो फिलहाल ओने बन जाना संत था। समझना, पैसे से जो मिलता मेरा बाबा फिर पानियों ने बन जाना संत था, फिर पानियों ने बन जाना संत था। छट के कमंड चोली अंडके दबे जो कम हो ही जाना थोड़ा ना तुरंत जी, देखाओ गोल गप्पे होनी फिर कृपा, खाओ गोल गप्पे होनी फिर कृपा, नहीं होता फिर पच दे बड़े। उनकी स्विफ्ट गाड़ी भी 200 पे भागती है। बाबा जी मैं आपके दिल्ली समागम में आई, आप बोले पर्स को काला कर दे, कर दिया। आप बोले गमला बदल दे, बदल दिया। आप बोले घर बदल दे, बदल दिया। आप बोले हरी चटनी खा, लाल चटनी खा, खाई। आप बोले गोलगप्पे खाओ कृपा बर से, खाई। बात नहीं बनी, अब की बार घर नहीं, अब की बार बाबा बदल दूंगी मैं। ओ खाओ गोलगप्पे होनी फिर कृपा, नहीं होता फिर पच दे बड़े। अरे खाटू में 65 साल के बुजुर्ग पे भी उतनी कृपा करता है बाबा जितना 5 साल के बच्चे पे करता है साहब। बाबा कोई फर्क नहीं समझता। हम हैं जो इधर उधर भाग जाते हैं, परेशान उतने हो कि दरवाजा बदलना ना पड़े। इतने परेशान मत हो जाओ कि दर दर की ठोकरें खाते रहो और एक दरवाजे आपका नाम बन सके। साहब जब तोरण द्वार को अपना दरवाजा बना लिया तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है साहब, कहीं और दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। खाटू जी नू जान नू फिर दे, चंगिया करा दे काके नी, खाटू जी दी गलिया च घूम दे, कुड़ते पजामे पाके नी। ये स्याल, स्याल मतलब सर्दी, जो ये धुंध पड़ती है, चढ़दे स्याल नू, चढ़दे स्याल मतलब जैसे जैसे ठंड पड़ रही है, चढ़दे स्याल नू सावरिया, जे साडा कम करा दोगे मैंने कहंदा चांदी दी कली फोटो एक लवा लांगे, पूरे मंदिर नू चांदी दा सावरे डायमंड दा मुकुट जड़ा लांगे। हाई कोर्ट है सांवरिया, तेरा खाटू जी का द्वारा जी, भक्तों को जहां मिलता खुशियां, हारे को मिलता सहारा जी। जेड़ा कहंदा तुर नहीं सकदा ओनू कंध टपा दांगे, फोन मार दे ओ दिल्ली वाले BMW दवा दांगे, पूरे मंदिर नू चांदी दा सावरे डायमंड दा मुकुट, पूरे मंदिर नू चांदी दा सावरे डायमंड दा मुकुट। और जब डायमंड का मुकुट चढ़ जाएगा तो क्या होगा, खाटू वाले श्याम दड़ी। देखो एक दो भजन और सुनाऊंगा उसके बाद इजाजत चाहूंगा क्योंकि काफी समय हो चुका है। बड़े प्रेम से खाटू वाले श्याम दड़ी, उमन चसका एक तेरी यारी का मन चेतक चाहिए जी, चसका लाल। आओ जरा जी, ना जस का लाल मुरारी का चेतक चाहिए जी, ना जस का लाल
चुका। गुरु बा
बाबा तेरा हो गया से रोही पूरा बाबा तेरा हो गया से रोही पूरा बाबा तेरा हो गया से रोही पूरा बाबा तेरा हो गया से खाटू वाले शाम धड़ी तेरे चर्चा हो गया से ओ खाटू वाले शाम धड़ी तेरे चर्चा हो गया से क्यों पड़िए का छोरा बाबा तेरा हो गया से दरबार में आए हुए तमाम भक्तों को ऐसी कृपा करना, सब कुछ देना, मगर अपने सिवा किसी और का कर्जाई मत होने देना, क्योंकि जब कर्जा हो जाता है तो उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कर्जाई करना तो अपना करना। दुनिया हमसे पूछे कि अगर किसी का कुछ देना है तो कौन है, वो है खाटू वाला, और किसी का कुछ नहीं सा। ना कर्जा करना मने कमाना इज्जतदारी का ना ते मन चेतक चाहिए ना चसका लाल मुस्कुराने की वजह खाटू Hey, hey, hey.